तो भैया कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल रोमियो में। तो वेल आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज है वो है शाओमी की तरफ से। जी हाँ, शाओमी ने अनाउंस कर दिया अपना एक न्यू फोन जो है शाओमी का मी प्ले। ये फोन चाइना में लॉन्च हो जाएगा 24 दिसंबर को। तो वेल इस फोन में क्या खास बात है? वैसे आमतौर पर शाओमी के लगभग सभी फोन कुछ खास ही होते हैं क्योंकि उनका प्राइस और स्पेसिफिकेशन अच्छा होता है। तो शाओमी के मी प्ले में आपको डिस्प्ले में एक वाटर ड्रॉप वाला नोज देखने को मिलेगा जो कि आजकल ट्रेंड हो गया है लगभग काफी सारे फोन में। जो वो पहले वाला नोज होता था चौड़ा सा बड़ा सा, उसे हटाकर ये वाटर ड्रॉप नोज ज्यादा अच्छा लगता है। तो शाओमी के इस फोन में आपको ये वाटर ड्रॉप नोच देखने को मिलेगा। साथ ही आपको इसके अंदर रियर में 2 कैमरा का सेटअप मिलेगा और फ्रंट में भी 2 कैमरा का सेटअप मिलेगा। और ये फोन भी देखते हैं कितने कलर वेरिएंट में होता है। वैसे अभी फिलहाल जो जानकारी है वो है इसके ब्लू वेरिएंट के बारे में, यानी कि फोन ब्लू कलर का होगा और अच्छे फिनिश के साथ होगा। शायद ये फोन मेटल बॉडी में नहीं होगा और बैक में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। बात करते हैं दूसरी न्यूज की। दूसरी न्यूज है एलजी की तरफ से। मतलब ये है, यहाँ मैं फोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एलजी के ओएलईडी टीवी के बारे में। यह एक स्मार्ट टीवी है और इसे हम टीवी कहें क्या कहें बवाल कहें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये टीवी आप फोल्ड कर सकते हैं। जी हाँ, मैं फोन की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह से फोन भी फोल्डेबल आए थे लेकिन इतने ज्यादा सक्सेस नहीं हुए और हो भी नहीं सकते। लेकिन टीवी के केस में देखते हैं कि ये फोल्डेबल टीवी, जो टीवी कहें या कैलेंडर कहें, कैलेंडर की तरह आप इसे रोल कर सकते हैं, जो एक बॉक्स के अंदर रोल हो जाएगा और वापस से जब आप इसे देखना चाहें तो आप इसे निकाल सकते हैं और ये अनफोल्ड होकर सामने की तरफ आ जाएगा। तो भाई कमाल की टेक्नोलॉजी यार, हम कहां जा रहे हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी है। मतलब जो चीजें हम कभी इमेजिन भी नहीं कर पाते थे वो आज हमारे आंखों के सामने है। और अच्छी बात यह है कि यह कोई छोटी स्क्रीन में नहीं होगा बल्कि 65 इंच का इसका साइज होगा और फोल्ड होने के बाद तो एक छोटे से बॉक्स में ही फिट हो जाएगा। अब सीन यह है कि ये मार्केट में कब अवेलेबल होगा। भाई उम्मीद है कि ये 2019 में आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा और आप इसे ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं अगर अच्छा रहा तो। वैसे एलजी के इस रोलेबल टीवी के बारे में मैं कहूँ तो यार, इसका प्राइस भी कुछ ज्यादा ही है, तकरीबन 140,000 या 50,000 के आसपास में, यानी कि 1.5 लाख रुपए की कीमत में 65 इंच का एलजी का ये ओएलईडी टीवी आपको मिलेगा। अब देखना ये होगा कि मार्केट में कितना पसंद किया जाएगा। वैसे देखने लायक होगा, अब ये लॉन्च होता है तो देखते हैं। मैं इसे खरीदने की कोशिश करूंगा और फिर इसका रिव्यू करेंगे अपने इस चैनल पर। चलते हैं अगले लास्ट न्यूज की तरफ, जो कि अगेन शाओमी की तरफ से है। शाओमी का एक और फोन बहुत जल्दी आ सकता है जो कि होने वाला है रेडमी प्रो 2 के नाम से। इस फोन के बारे में मैं आपको सीधे सीधे कहूँ तो एक ही बात कहूंगा कि यार, आजकल फोन केवल फोन करने के लिए नहीं रह गए हैं, आज फोन सेल्फी फोन बन गए हैं। आजकल सभी कंपनियां सबसे ज्यादा काम कर रही हैं अपने एक ही पॉइंट पर, वो है इसका कैमरा। ये फोन सेल्फी कैमरा के नाम से जाना जाएगा। अब आप कहोगे यार, आजकल सभी कंपनियां सेल्फी कैमरा फोन बना रही हैं, फोन कम कैमरा ज्यादा अच्छा होता है, DSLR की जरूरत भी नहीं है। तो भाई ये थोड़ा हटके है क्योंकि आपको शाओमी के प्रो 2 में देखने को मिलेगा 48 MP का कैमरा, यानी 48 मेगापिक्सल। यार कमाल कर रहे हो यार, 48 मेगापिक्सल आपको एक फोन में, और फोन ज्यादा महंगा भी नहीं होने वाला है क्योंकि आपको इसके अंदर प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन 675 वाला। और देखते हैं कि 48 मेगापिक्सल के साथ में ये फोन कैसा होने वाला है और इंडिया में कब लॉन्च होगा। तो वेल ये थी आज की टेक न्यूज़। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगी। आइए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि मैं ऐसी टेक रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो मिलते हैं किसी अगली न्यूज में, तब तक के लिए बाय बाय। What?